हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। अभी सुबह का 7 बज रहा है गाइस। मैं बच्चे को लेकर के गई थी स्कूल छोड़ने के लिए, छोड़ आई हूँ। अभी बच्चे का टेस्ट चल रहा है, तो टेस्ट भी हमारा अभी आज लास्ट है। 3 दिन का ही टेस्ट था, क्योंकि 2 विषय का ही 1 दिन में ले लेता है। तो और दोनों का, सेंटर का भी DAV का, तो दोनों इसमें मेरे बच्चे पढ़ते हैं गाइस। और स्कूल में मैंने टिफिन उफिन सब हो चुका, वॉकिंग भी हो गया हमारा, दूध भी लेकर के आ गई। अब जा रही हूँ, नहाऊँगी धोऊँगी। तो मैं सोची आप लोग से भी रू रू बातें कर लूँ। तो हम अभी नहा करके रेडी हो करके मैं भी जाऊँगी अपने काम पर। तो मेरे वीडियो को एंजॉय करिए गाइस, और लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर ले। अभी छत में मैं आई हूँ, मेरे टंकी में पानी नहीं चढ़ रहा था, तो वो टंकी में देखने आई। वो जो दिख रहा है वो टंकी है, बिल्कुल पानी नहीं है। आए दिन कुछ से कुछ प्रॉब्लम होता ही है, फिर से आज हमारा पानी नहीं है। मैं छत में आई देखने के लिए, पूरा सूखा हुआ। एक तो गंदा पानी है, वो भी पानी कभी आता है कभी नहीं आता है गाइस। ये हमारे यहाँ का मौसम है गाइस, बारिश बारिश जैसे किया हुआ मौसम। वैसे तो खूबसूरत है, पहाड़ी एरिया है, कितना अच्छा लगता है व्यू, बहुत नज़ारा देखने में बहुत अच्छा लगता है। गुम्मस जैसे किया है, लेकिन आज बारिश हुआ है रात में भी थोड़ा सा, तो मौसम बहुत अच्छा है। अभी देख सकते हैं आप व्यू कितना खूबसूरत आ रहा है। आगे में ग्राउंड है, सभी खेल रहे हैं, हमारा क्वार्टर है अंदर में। बहुत ही अच्छा मौसम है यहाँ का, आज का मौसम बहुत मीठा मीठा इस मौसम को बोलेंगे ना। धूप है नहीं, बारिश हो रहा है, बस छाँ है, छाँ ही छाँ दिखाई देता है। पेड़ पौधे हरा भरा, सावन का कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस। इसलिए मेरे वीडियो में बने रहे, एंजॉय करें गाइस। गाइस, एम्पावर रसना कुकिंग में आपका स्वागत है गाइस। आप सभी मेरे चैनल को सपोर्ट करें। और मैं एक बहुत दिनों के बाद मैं नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, देसी चना का छोला मुझे बनाना है गाइस। तो मेरे वीडियो में बने रहे, मैं बताऊँगी कि कैसे हम बनाते हैं, उस तरह आप भी बनाएं, बहुत ही टेस्टी रहेगा गाइस। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो पूरा देखेंगे और कमेंट भी करेंगे कि हमारा कैसा लगा रेसिपी। तो चलिए हम बनाते हैं। तो ये देसी चना है गाइस, मैं ले लिया 4 सीटी में लगा दिया गाइस। तो ये हमें 3-4 सीटी लग जाएगा। हमारा हो चुका चना, इसे हम निकाल लेते हैं। सिर्फ नमक दे करके इसे बॉयल करना है। थोड़ी देर ठंडा होने के बाद मैंने इसे निकाल लिया है गाइस। इसमें मैं एक बर्तन में, इसमें मैं आटा गूंदी थी तो इसमें मैं निकाल ली हूँ। तो ये हमारा देखिए, सीटी लगने के बाद इस तरह से कुछ दिखाई देगा। तो ये हमारा गल चुका है चना अच्छे तरह से, और इसका हम रस नहीं फेंकेंगे, क्योंकि ये आप फेंक भी सकते हैं, नहीं फेंकेंगे क्योंकि ये हम चना धो के डाले थे, तो इसमें विटामिन है गाइस। तो चलिए हम बनाते हैं इस चना को। सीटी मार ली है, ठंडा भी हो चुका है। अब हम इसमें मसाला की तैयारियाँ क्या करना है, तो वही मैं 2 टमाटर ले ली हूँ, एक बड़ा साइज का और एक छोटा मीडियम, और ये अदरक छोटा सा टुकड़ा है गाइस, आधा इंच होगा। और 2 पोटी में लहसुन जो है मैं छील ली हूँ। फिर ये आप स्वाद अनुसार तीखा जितना आप पसंद करते हैं, तो मैंने 10-15 मिर्ची हरा डाल दी हूँ। हरा मिर्ची देने से कोई वजह नहीं होता, हम लाल मिर्ची इस्तेमाल नहीं करते, हरा मिर्ची ही पेट के लिए नुकसान भी नहीं है, अच्छा है, फायदेमंद है। और 3-4 मैंने प्याज ले ली हूँ। तो ये सबको मैं पेस्ट बनाऊंगी, तो चलिए हम गाइस पेस्ट बना लेते हैं। गाइस, मैं आलू बॉईल कर ली हूँ, मैं आलू पराठा बनाने जा रही हूँ। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। एम्पावर रसना कुकिंग में आपका स्वागत है गाइस। तो हमारे चैनल को पूरा सपोर्ट करें। तो ये हम 1 kg करीब आलू मैं इसे बॉयल कर ली, और इधर हम प्याज भी सोटे कर लिए गाइस। थोड़ा सा 1 चम्मच में तेल डाली हूँ, और प्याज, हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक मैंने काट करके दिया है, तो ये सुनहरा कलर हो चुका है। हमने प्याज टमाटर का और ये पेस्ट में बना कर रखी हूँ। एक हरी मिर्ची भी डाली हूँ गाइस, और इसमें टमाटर भी हम डाले हैं। तो हम इसको, इस पेस्ट को कर देते हैं अच्छे से, हम चला लेते हैं। सब खुशबू बहुत टेस्टी आ रहा गाइस, इसलिए वैसे नहीं भी दे सकते आलू पराठा में, लेकिन मैं थोड़ा सोची दे देती हूँ प्याज टमाटर और ये अदरक लहसुन का थोड़ा पेस्ट हल्का दी हूँ, फ्लेवर और बढ़ जाए इससे। तो ये हमारा चटपटा सब बहुत ही टेस्टी लगने वाला आलू पराठा, ये थोड़ा अलग हो जाएगा और टेस्टी लगता है गाइस।
बच्चों को भी बहुत पसंद है, टिफिन में भी फटाफट दे दीजिए, रात में ही बना के रख दें। बासी पराठा तो आलू का और भी अच्छा लगता है। इधर हमने आटा गूंद के रख लिया है, नमक डाल करके मैं मीडियम ऐसे जैसे नॉर्मल आप रोटी के लिए आटा गूंदते हो तो उसी तरह आटा मैं गूंद ली हूँ। नमक दे देंगे गाइस। नमक देने के बाद हम ये जो हम आलू छील करके रखे हैं सारे आलू को मैं छील ली हूँ, अब इसे हमें इसमें डाल देना। ये आलू को मैंने डाल दिया गाइस। इसी तरह से हम चला लेंगे, अच्छे से हम भूंज लेंगे। और आप बोलेंगे कि तोड़े नहीं है तो हम इसी से हम तोड़ लेंगे आलू, तो कोई बात नहीं, ये तो टूट जा ही जाएगा क्योंकि ये सीधा हुआ है। तो अच्छे से हम इसे फ्राई कर लेंगे। भूनने के बाद हमारा फिलिंग जो है आलू पराठा का रेडी हो चुका है। थोड़ी देर में बस ये होने वाला है, आटा ही मेरा गूंदा हुआ है, फटाफट मैं बना लूँगी। देखिए इस तरह से हमने चूर दिया। भी मैश कर सकते हैं लेकिन बहुत गर्म था तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दिया, और इससे भी हो जाता है। एक मैशर की मदद से भी आप ले सकते हैं इसको मैशने में। देख सकते गाइस ये हमारा अच्छी तरह से मैश हो गया है, मैसी मैसी पूरा मतलब कि घुल गया गाइस। तो ये हमारा जो है अब फिलिंग जो बन करके रेडी हो चुका है। अब दूसरा प्रोसेस हम शुरू करेंगे। तो अच्छे से बन गया हमारा, कढ़ाई गर्म हो चुका है। छोला बना रहे देसी चना का, ये सारे सामग्री लगे, तेल ऐड कर देते हैं। चम्मच तेल डाल दिया गाइस, और हम हाफ चम्मच जीरा ऐड करेंगे, सूखी मिर्ची डालेंगे, फ्लेवर अच्छा आता है सूखी मिर्ची से। और ये हरी मिर्ची भी हम डाल देंगे गाइस, सारे फ्लेवर मिल करके खाना को टेस्टी बना देगा। थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देते हैं, देख सकते गाइस वो ब्राउन हो गया। ये हम प्याज ऐड कर देते हैं, प्याज पक रहा है गाइस। ये हम 5-6 आलू लिए हैं, इसे हाथों से हथेलियों से देखिए इस तरह से हम दबा देंगे अच्छे से, इस तरह से प्रेस करेंगे तो ये दब जाएगा। तो दबा देने के बाद ज़्यादा चूर भी हमें नहीं करना, मैन है इसे खोरना है। ये हमारा सारा आलू फूट गया, प्याज भी चला ले रहे गाइस। ये हमारा प्याज जब भून जाएगा तब हम इसे मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा जो हल्का भून चुका है, बस इतना ही भूनना है। तो ये प्रोसेस चालू करेंगे, आप तो इस तरह से बनाएंगे तो आपका बहुत ही अच्छा ये रेसिपी बनने वाला है, देसी चना का छोला। गाइस अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, टमाटर का जो मैं दिखाया था, तो पीस करके ये रेडी हो चुका है गाइस। अच्छे से हम पीस लिए हैं, तो पेस्ट को मैं डाल देती हूँ, सबको ले लेती हूँ। मिक्सर में हम ये आलू दे देते हैं जिसमें कि हमने मसाला पीसा, तो सारे आलू को मैं इसमें मिक्सी में डाल दूंगी। एक बार हम इसे हल्का से ग्राइंडर कर लेंगे गाइस, थोड़ा सा हम इसे एक बार लगा करके हम इसे चला लेंगे। थोड़ा सा हम पानी दे देते हैं, मैंने पीसना है गाइस एक बार हल्का सा, ज़्यादा नहीं, तो हम पीस के आते हैं। इसे हम अच्छे से चला लेते हैं, मसाला हमारा भून जाने में अभी समय लगेगा, 5 मिनट के अंदर ये सब्जी हो जाएगा गाइस। हमने दरदरा से ये देखिए पीस लिए हैं, पतली घुमाना है ज़्यादा नहीं, तो हमने एक बार ही सिर्फ घुमाया है क्योंकि बॉईल किया हुआ आलू था, आलू को नहीं घुमाना था। तो हो गया गाइस, ये हमारा मसाला भी रेडी होने वाला है। अब इसमें और भी मसाला पड़ेगा, नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी, सब आपको दिखाती हूँ। तो मैं स्वाद अनुसार नमक मैं पहले भी डाल चुकी हूँ चना में बॉईल करते समय, तो इसमें अभी हम नमक कम देंगे। और ये हल्दी गाइस 1 टीस्पून, और ये जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, तो ये सभी को हम मिला देते हैं एक साथ, और इसको हम इसी मसाला में हम ऐड करेंगे। पानी डाल के हमें इसे पेस्ट जैसा बना लेना है, हल्का पानी डालना है, ज़्यादा नहीं। हमारा पेस्ट रेडी हो चुका, थोड़ा सा पानी डाल देने से पेस्ट बनाने से इसका स्वाद खुल जाता है, तो हमने अब इसे डाल,
हम इसमें ऐड कर देंगे सारे मसाला को हमें ले लेना गाइस। हमने डाल दिया सब से बर्बाद क्यों करे जो हमारा लगा हुआ इसमें मसाला आलू के साथ में मिला दिया और ये सारे मसाला इसमें इस्तेमाल हो गया है। इसे अच्छे से हम भूंजेंगे गाइस। कच्चापन नहीं रहना चाहिए क्योंकि पहले तो हमने लहसुन अदरक मिर्ची प्याज टमाटर का पेस्ट को मैंने भूंज लिया है फ्राई कर लिया। अब जो है मसाला थोड़ा सा इसे भी भूंज लूँगी। हमारा मसाला लगभग तेल छोड़ने लगा गाइस। देख सकते हैं कि पूरा चिपकना बंद हो गया, कढ़ाई में नहीं चिपक रहा है, ये तेल छोड़ना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब आपका मसाला जो है अच्छे से भुन चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत ही अच्छा भोजन बनने वाला है। आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा गाइस, इस तरह से बनाएंगे तो खाएंगे बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर ले गाइस। वीडियो पसंद आए तो भी, ना पसंद आए तो भी कमेंट करेंगे कि कैसा लगा हमारा रेसिपी। तो अब ये थोड़ा सा और भूनेंगे गाइस। इसमें और एक सीक्रेट मसाला डालना है, इसमें हम एक और मसाला डालते हैं जो हमारा सीक्रेट मसाला है, वो हम डालेंगे। हमारा सीक्रेट मसाला आ चुका है गाइस, इसे हम अच्छे से एक चम्मच देंगे, बहुत टेस्टी इसका आता है फ्लेवर। तो ये सीक्रेट मसाला क्या है गाइस, चलिए हम बता ही देते हैं। ये मीट मसाला है, हम लोग मीट मछली नहीं खाते हैं, लेकिन इस मसाले में सारे गरम मसाला है जो सारे मसाला का बाप है गाइस। ये तो ये देने से बहुत ही टेस्ट बढ़ जाता है चार गुना दुगना। मसाला को देने के बाद और भी खुशबू बहुत ही मतलब कि जोर जोर से पूरा गर्म बिखेर दिया गाइस। तो ये हमारा जो अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं, चला लेते हैं, ये भी साथ में भून जाएगा। सारे मसाला तो भूंजा हुआ ही है, इस मसाला को देने के बाद ज़्यादा हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसमें जो हमारा जो है बेचारा आलू जाएगा जो कि ग्रेवी को और ही मतलब कि गाढ़ी करेगी। हमारा रहा आलू गाइस, जो कि हम रफली मतलब एक बार घुमा दी हूँ, रस में जाएगा। सारे आलू को मैं निकाल रही हूँ, चिपक चुका है, देख सकते हैं। रफली ही हमने एक बार ही चला दिया ताकि मैसी मैसी हो जाए। हम अच्छे से चला लेते हैं, सारे आलू को इसमें मसाला में कोट कर देना है। थोड़ा सा और भून जाएगा 2 मिनट, उसके बाद हम इसमें देसी चना का छोला ऐड करेंगे। तो ये हमारा अच्छे से भून चुका है राइस, देख सकते कितना कलरफुल कितना टेस्टी मतलब कि लग रहा है एकदम। इस सब्जी को आप बना के खाए तो इसके सामने मीट मछली सारे टिका है। ये हमारा मेन चीज, अब ये देसी छोला को जो मैंने बॉईल करके रखा गाइस, अब ये इसमें जाएगा। तो मैंने डाल दिया, अच्छे से हम चला लेंगे, बढ़िया से मिला लेते हैं। देख सकते गाइस इस तरह से दिखेगा कुछ आप जब बनाएंगे तो। अब इसमें थोड़ा सा हम ग्रेवी डालेंगे, चना का जो है पानी है नहीं फेंकेंगे हम, है ये हम नहीं फेंकेंगे, हम इसी में डालेंगे। पानी का भी हम डाल देते हैं गाइस, देख सकते देखिए सब मैं डाल दी जो बचा कुटा था, सभी को हम देखिए, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। अभी और इसमें ग्रेवी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, नहीं तो ये सूख जाएगा, ठंडा होने से पूरा मतलब कि लटपटास हो जाएगा। लेकिन हमें लटपटा नहीं चाहिए, थोड़ा रस चाहिए तभी तो खाने में मज़ा आएगा, रसेदार। थोड़ा सा और पानी हम ऐड करेंगे। मुझे मसाला पिसा था गाइस, इसी में हम थोड़ा पानी ले लिए और यही हम चला करके अच्छे से हम यही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए गाइस इसमें हम पानी डाल दिए हैं, अब ये थोड़ा खौलेगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे।
देख सकते हैं मार्केट के जैसे हमारा ग्रेवी वाला सब्जी बन करके रेडी हो चुका है। इसमें कोई भी कसर नहीं है गाइस, जो कि हम सब घर में इस तरह से बनाएं और खाएं, मस्ती से घर का खाएं और स्वस्थ रहें। घर का खाना जैसे कोई खाना नहीं है गाइस, जहाँ उसमें स्वाद हो या ना हो, बाहर का खाली दुनिया भर का तेल मसाला कैसा तेल बनाया नहीं बनाया पता नहीं, लेकिन ये तो आप श्योर हैं कि आप घर पर बनाएं जो भी अच्छे बनाएं, अच्छा पानी में बनाएं, अच्छा तेल में बना, बढ़िया से बनाया, श्रद्धा बसता है गाइस। तो ये हम गाइस ये हमारा सब्जी बन करके रेडी हो चुका है, देसी चना का छोला बहुत ही जितना देखने में अच्छा लग रहा है गाइस उतना ही टेस्टी खाने में भी है। इसे चावल के साथ खाएं, पूरी के साथ, पराठा के साथ, कुछ के भी साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। और घर का बना हुआ पूरा मस्ती से खाइए गाइस, कोई भी इसमें नुकसान नहीं है, सब कुछ घर से ही बना हुआ है, घर का मसाला है, सब कुछ है। तो ये अब हम गैस को बंद कर देते हैं। तो ये हमारा मैंने गैस बंद कर दिया गाइस, तो अब देखिए इस तरह से कितना अच्छा कलर आया, अब कितना गाढ़ी आया, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो हम इसे पराठा में खाएंगे, आलू पराठा में, तो बहुत ही टेस्टी गाइस। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, कैसा लगा वीडियो बताएंगे गाइस। ये हम आटा जो है गूंथ के जो रखे हैं, इससे छोटा छोटा बॉल हमें बनाना है इस तरह से, तो देख सकते हैं कि मैं बना रही हूँ। और इसे जो कटोरी के जैसे इसे बनाना है मुझे, तो ये देखिए हमारा ये जो हमारा बन चुका है। और इधर ये मैं बना के भी रखी हूँ, एक दो तीन लोई बना के उसमें फिलिंग कर लिए हैं। तो अब ये हमारा जो आलू जो है गाइस, ये जो इसका जो फिलिंग जो है इसके अंदर जाएगा, देखिए इसे अच्छे से हम भरेंगे दबा दबा करके, तो इस तरह से उंगलियां के सहायता से इसे हमें भरना है, मुंह को बंद करना है गाइस। तो देखते देखते देखिए हमारा मुंह बंद हो गया, पोटली के जैसे बन गया। तो अब इसे हम देखिए इस तरह से प्रेस करके दबा देंगे, फिर इसे हम बेल लेंगे गाइस। ये हम तवा चढ़ा दिए हैं और ये हमारा तवा भी गर्म हो रहा है। अब फिर इसे जो है हम सूखी आटा के मदद से हम इसे प्रेस करेंगे, इसे जितना आप हाथ से फैलाएंगे फैला सकते हैं ताकि ये फटे ना, हमारा फिलिंग जो है अच्छे से। हल्का सूखा आटा का मदद लेंगे, नहीं भी ले सकते हैं लेकिन थोड़ा लेना पड़ता है। तो ये हम बेलना के सहायता से अब हम इसे अच्छे से, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, हल्का सा बेल लेंगे गाइस। ये देखिए हमारा ये बेल के रेडी हो चुका है। अब ये हम तवा पर डाल देते हैं आलू पराठा, ये हमारा देखिए गरम है तो इस तरह से ये बनेगा, देखते रहिए, देखते देखते ये बन जाएगा। देखिए तुरंत मैं पलट दी हूँ, थोड़ा सा पकने देते हैं गाइस। इसी तरह हम दूसरा भी इस तरह से रेडी रखेंगे ताकि वो तवा वाला जब बन जाए तो हम उसके ऊपर ये दूसरा हम पराठा डालेंगे। ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा मोटा है, मीडियम साइज का ये पराठा मेरा बिला रहा हो गया। अब इधर ये भी हमारा होने को जा रहा है गाइस, देखिए ये हो चुका है, अब इसे पलटती हैं। तो अब हम इसमें सरसों का तेल या रिफाइंड तेल से आप बना सकते हो, तो हम ये रिफाइंड नहीं है, सरसों नहीं है, हम दोनों मिक्स करके रखे हैं। तो थोड़ा ध्यान से बनाए जाए तो आग लगने का भी डर रहता है, वो तेल ही गिरा हमारा और कुछ नहीं। तो ये इसे देखिए अच्छे से पलट दिया हमने, सूखे आटा की मदद से इसे हम अच्छे से घुमा ले रहे हैं। आप छोलने से भी आप कर सकते हैं लेकिन हम इसी से कर रहे हैं ताकि ये तेल जो है इसी में एक्स्ट्रा जो तेल है, ये सूखी आटा जो है मतलब जब बनाने का जो आटा जो गूंदे हैं उसी से थोड़ा सा एक सपोर्ट में ले लेते हैं। तो ये देखिए हमारा पक करके रेडी हो चुका गाइस, कितना खूबसूरत बना है, देखिए हमारा बन करके सुनहरा सा ये पराठा जो आलू पराठा बन करके रेडी हो चुका। तो इसे हम
रख देते हैं यहाँ, और दूसरा मैं यहाँ से उठा करके डाल देती हूँ धीरे से। ऐसी प्रोसेस से मैं साड़े को बना लेती हूँ, तो मेरे चैनल बने रहे गाइस। तो ये इस तरह से पराठा बनेगा, कितना खूबसूरत देखिए बन के रेडी हो चुका है गाइस। ये हमारा खाना लग चुका है, आम हुआ और देसी चना का छोला, और फिर ये हमारा आलू पराठा। ये मेरा आलू पराठा हो गया, और ये मैंगो, और ये देसी चना का छोला। तो देखिए गाइस हमारा खाना कैसा लगा आपको। तो आज ये तीसरा सावन का तीसरा सोमवारी का उपवास का जो कल था, तो आज मैं फास्टिंग तोड़ी हूँ, तो थोड़ा कुछ चटपटा सा खाने का मन हुआ, तो मैंने देसी चना का घर में था तो उसी का मैंने छोला बना लिया। तो हो गया ना गाइस, देखिए कितना डिलीशियस भोजन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। गाइस से संरक्षा की तरफ से यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं, तो सभी अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। जिसको कोई भी तकलीफ है तो वो अपना पूछ रहे हैं, अपना प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो मैम जो डॉक्टर मैम जो आई हुई है, दोनों अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सभी से। तो ये भी मैं भी यहाँ पर आई हूँ, मुझे आने में थोड़ा सा लेट हो चुका है। सब स्पेशलिस अपने पास बुलाते हैं, मतलब का जो एक्चुअली ये गायनिक डॉक्टर है गाइस। तो जो भी प्रॉब्लम है महिलाओं का, तो वो सब सुनेगी, सॉल्व करेगी। इसको तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं अपने किचन से, किचन में गंदगी, किचन से, टॉयलेट से, बाथरूम से, हमारे पिलो कवर से, हमारे पूछिए ना। अच्छा सुनिए ना, पूछिए ना, क्या 23 साल का हो गया? पूछिए मैडम से बात करिए। 23 साल के बच्चे हैं, उसको भी लग सकता है। बट आपने सबको एकदम प्रॉपर एक बता करके मेडिसिन लिखा और देखना बहुत अच्छे से बुक है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स मैम। पूरे संरक्षण का परिवार की तरफ से आप दोनों मैम को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो मिल के बहुत खुशी हुई। जी रहिए। चलिए।